भारत भर के मंदिरों में कृष्ण की कई पोशाकों में से एक को स्त्री वेशा कहा जाता है, जहां वह एक महिला के रूप में कपड़े पहनते हैं। कृष्ण को साड़ी और महिलाओं के आभूषण पहने दिखाया गया है। कुछ लोग इसे मोहिनी, दिव्य जादूगरणी, विष्णु और कृष्ण के अवतार के रूप में पहचानते हैं। दूसरों का कहना है कि यह कृष्ण अपनी माँ यशोदा का मनोरंजन करने के लिए उनकी तरह कपड़े पहनते हैं। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि यह कृष्ण को गोपिकाओं ग्वालों द्वारा दंडित किया जा रहा है। कहानी यह है कि कृष्ण की शरारतों से तंग आकर गोकुल की स्त्रियां एक बार एकत्रित हुई और उन्हें एक लड़की के रूप में तैयार करने का फैसला किया। नर को नारी बनाओ गीत एक लोकप्रिय ठुमरी रचना है। वे कृष्णा को पकड़ते हैं और उसे स्कर्ट और ब्लाउज पहनाते हैं और उसके हाथों और पैरों को उल्टा से रंगते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। परेशान या क्रोधित होने के बजाय कृष्णा गतिविधि में भाग लेता है। अधिक आभूषण वह मांग करता है और बेहतर मेकअप। इस प्रकार जो सजा के रूप में शुरू होता है वह एक आनंदमय गतिविधि, एक लीला, एक खेल के रूप में समाप्त होता है।